रविवार और सोमवार दो दिन दशमी होने के कारण कहीं पर रावण दहन रविवार को तो कहीं पर सोमवार को किया गया। चंदेरी, धार, महेश्वर और सिवनी मालवा में सोमवार को रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धार में कोरोना रूपी रावण का दहन किया गया, जो मुंह पर मास्क लगाए हुए और हाथ में सैनिटाइजर की बोतल लिए हुए था। हालांकि कोरोना के कारण इस बार रावण दहन के भव्य आयोजन नहीं हुए, छोटे स्तर पर रावण दहन के आयोजन को निपटा दिया गया। महेश्वर में तो आर्थिक तंगी देखने को मिली, वहां बिना पटाखों से भरा रावण जलाया गया। महेश्वर में विजयादशमी के पावन पर्व पर असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक रावण का दहन प्रशासन एवं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच किया गया। वहीं जीवन के अंतिम क्षणों में भी कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए 21 फीट के रावण के पुतले को भी मास्क पहना रखा था। कोविड-19 जैसी महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 200 व्यक्तियों को ही उपस्थित होने की अनुमति दी थी। एवं जहां प्रतिवर्ष रावण के पुतले में लाखों रुपए के पटाखे जलाए जाते थे, वहीं इस बार एक भी पटाखा रावण के पुतले में नहीं लगाया गया। इसी के चलते लोगों में निराशा का माहौल बना रहा। दशहरे की आप सभी को नगर परिषद महेश्वर की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। चंदेरी में विजयादशमी पर भगवान राम असत्य पर सत्य की जीत का लश्कर लेकर अपनी सेना के साथ धुविया तालाब स्थित धाम पर पहुंचे। यहां उन्होंने कोरोना जैसी महामारी का बुराई के रूप में दहन किया। धुविया ताल पर बड़ी संख्या में लोग रावण दहन में शामिल हुए और बुराई रूपी रावण के साथ में कोविड-19 जैसी महामारी का भी अंत करने का दहन किया। कोरोना को देखते हुए यहाँ प्रशासन ने भी समुचित व्यवस्था की थी। यहाँ नगर पालिका, राजस्व विभाग, पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था थी। धार के ग्राम जेतपुरा में कोरोना से सतर्क रहने और बचाव का उपाय बताते हुए रावण का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि इस रावण के मुंह पर मास्क लगाया था और हाथ में सैनिटाइजर की बोतल पकड़ाई गई थी, ताकि लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जा सके। यहाँ कोरोना के सतर्कता रूपी रावण के पुतले का दहन किया गया। आयोजन में मुख्य रूप से सुरेश गिरी गोस्वामी, आकाश चौहान, हरि सिंह पटेल, प्रतीक गिरी आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सिवनी मालवा के अटल मैदान में दशहरा पर्व मनाया गया। कोरोना संकट के बीच दशानन के पुतले का राम द्वारा तीर मारकर दहन किया गया। इस वर्ष कोरोना संकट के कारण ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दिया। कार्यक्रम में नगर के शासन प्रशासन के आला अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि यहाँ प्रतिवर्ष दशहरे पर रावण दहन के साथ विशाल मेला लगता था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मेले का आनंद लेने के लिए हाई स्कूल मैदान में आते थे। लेकिन कोरोना ने इस वर्ष दशहरे की इस भव्यता पर ग्रहण लगा दिया। ना मेला लगा, ना ही कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज़।